हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आप लोगों को मेरी आंखों से तो लग ही रहा होगा कि मैं भी सो के उठ रही हूँ। और मैंने सोचा मैं ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेती हूँ, वरना मैं हमेशा चलते चलते ही ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी काफ़ी लेट में उठ रही हूँ आज, क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब है और मेरी नींद ही नहीं गई, क्योंकि ऐसे मौसम में आपको पता ही है। तो अभी मेरी मॉर्निंग फाइनली हो चुकी है, और उसके अलावा मैं थोड़ी सी बीमार भी हूँ, मतलब कोल्ड हुआ है मुझे। तो आप लोग भी अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें और मेरे साथ भी शेयर करें आप लोग कैसे हो, क्योंकि मैं तो थोड़ी सी अस्वस्थ हूँ, मतलब बीमार हूँ, और आवाज़ से भी लग ही रहा होगा शायद थोड़ा बहुत। तो और आज मौसम भी बहुत ख़राब है गाइज, और हम आज कहीं जाने का सोच रहे हैं। तो अगर हम जाते हैं तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को गुड मॉर्निंग विश कर लेती हूँ और व्लॉग का स्टार्ट भी कर लेती हूँ। जाते ना जाते वो पता नहीं है अभी हमें भी। तो अब होते हैं रेडी वेडी और करते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह, बनाते भी हैं ऐसा नहीं है, बट अब चलते हैं उठते हैं। और मैं आप लोगों को वेदर दिखाती हूँ, बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों को कुमारसेन दिखाऊंगी। बहुत ख़राब है मौसम, अब चलते हैं। हे गाइस, सो हम अब रेडी हो चुके हैं। सोचते सोचते हम लोगों ने सोचा कि चले ही जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रामपुर, और थोड़ा बहुत ऐसे सामान था, पापा की सर्विस भी थी गाड़ी की, तो देखते हैं अब क्या क्या काम होते हैं। हम बहुत लेट भी हो चुके हैं, हम तो अब जा तो रहे हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या काम हमारे बनते हैं। तो मैं अभी आपको मौसम दिखाती हूँ, बहुत ठंडी हूँ। मैंने भी जैकेट वेयर किया है, और ये वेयर किया है मैंने अपनी मम्मा का, बिकॉज मैं शिमला से कुछ लाई नहीं हूँ साथ में। मुझे लगता है गाँव में तो सूट चलते हैं, बट मैंने आज फिर जीन वेयर किया है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था। मम्मी का जैकेट वेयर कर दिया, तो देखो। तो अभी मैं आप लोगों को वेदर दिखा देती हूँ पहले, और हम लोग अब रेडी हो गए और चलते हैं रामपुर की तरफ। तो आज अब आपको रामपुर भी दिखाती हूँ, शायद मैंने कभी अपने ब्लॉग में रामपुर नहीं दिखाया। तो चलते हैं आज। सो गाइज, मौसम कुछ इस तरह का है। अभी तो थोड़ी बहुत धूप लग गई है, सुबह तो बहुत ही अजीब सा था, धुंधला धुंधला सा देख सकते हो आप अभी भी। तो इस तरह का आज मौसम हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा धुंधला धुंधला सा देख सकते हो। और ये है कुमारसेन, बहुत दिनों बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह का कुछ मौसम है, बट अभी तो धूप लग गई है, सुबह तो बहुत ही गंदा था, मतलब समझ नहीं आ रहा था। और अब हमारी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है निकल के, तो अब चलते हैं। चलिए टाना, हाय मॉम। मॉम भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ, अब चलते हैं। सो वही रास्ते, वही गलियारे, आज फिर से वही। ये हमारी बेबो 93। और अभी पापा ही ड्राइव करेंगे। चलिए, सो हम यहाँ से जाएंगे शॉर्टकट में, ये शॉर्टकट है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ आता है PNB बैंक, और यहाँ हम रहा करते थे कभी बचपन में इधर। और यहाँ से हम जल्दी पहुँच जाते हैं नीचे दूसरे NH के लिए। और जब OD वाला NH है वो भी खुल चुका है, NH नहीं मतलब शॉर्टकट खुल चुका है, जो जोशा के लिए जाता है। तो आप लोग अब इधर से भी आ सकते हैं। सो हेलो, अभी हम हैं किंगल में, और अभी मुझे मिला है प्रियांशु। हेलो गाइस, ये तो बहुत बार देखा ही होगा। बढ़िया गाइस, देखा ही होगा बहुत बार ब्लॉग में मेरे प्रियांशु, पता नहीं देखा है ऐसे तो आया बहुत बार मेरे ब्लॉग में ना, जब मंदिर वगैरह के फंक्शन थे। तो ये है प्रियांशु आ रहे हैं पीछे से। हाँ, ये मिस्टर आर्यन वर्मा, और अभी हम जा रहे हैं रामपुर। नमस्कार ड्राइवर जी, हाय। ओके गाइज, बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय। सो अभी हम लोग किंगल में वेट कर रहे हैं। और सो गाइज, हम लोग रामपुर जाना अब कैंसिल कर रहे हैं, हमारा किंगल में ही काम हो गया था। और अब हम सोच रहे हैं, लेट भी हो चुके हैं, और आजकल बहुत ज़्यादा फॉग छाई हुई है, तो मैं वो एक्चुअली दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि खुद ड्राइव कर रही हूँ। तो हम पॉल्यूशन का बनाने के लिए उतरे हैं, तो वो बना रहे हैं हम पॉल्यूशन का। तो अभी हम पॉल्यूशन का बनाएंगे, उसके बाद हम वापस जाएंगे। तो मैं अभी बद्राश के साथ ही हम लोग पेट्रोल पम्प में आए हुए, वहाँ पर बना रहे हैं पॉल्यूशन का। और मैं अभी वापस जाऊँगी यहाँ, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगी, SJVN वालों का जो चल रहा है काम, बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट और अच्छा बन रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा।
तो मैं आप लोगों को वो जरूर दिखाऊंगी। और तो अब रामपुर में गई नहीं गई, मैं रामपुर का कहीं दिखाऊँ तो चलते हैं। गाइस तो हमें भूख लग गई थी, हमने गाड़ी पार्क कर ली है और हम सोच रहे अब कुछ लंच कर लेते हैं। तो अभी हम आए हैं बद्राज के साथी, पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं ढंग से पता, चलो लेट्स गो। सो बहुत ही ब्यूटीफुल है रिसेप्शन, नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये है रेस्टोरेंट और उधर को है बार, हम जाएंगे इस साइड फैमिली रेस्टोरेंट, सो लेट्स गो। और ये है माता भीमा काली मंदिर का जो बनाया हुआ है, ये है मंदिर, ये आता है सराहन में। होटल तो बहुत ही नाइस है और अच्छा दिख रहा है, मतलब देखो भोलेनाथ जी के दर्शन कर लो आप लोग भी। ड्राइव करते हुए मैं ले नहीं पाई, तो हम आए हैं, मैं आपको बताती हूँ, हम आए हैं होटल रिवर व्यू, ये देख सकते हैं आप, और यहाँ का मेन्यू ठीक है, कॉस्टली भी है पर रीजनेबल है, इतना तो नॉर्मल प्राइस होती है ये स्वीट डिशेस। सो हमने अपना ऑर्डर दे दिया है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू, तब तक जिसका नाम ये व्यू रिवर, तो चलिए तब तक व्यू का मज़ा लेते हैं, तब तक खाना आता है। अब मेरा कैमरा थोड़ा सा ख़राब हो गया, साफ करती हूँ। गाइस सतलुज नदी तो उधर रह जाती है बट ये यहाँ पे पानी बह रहा है नाले का, आवाज़ तो बहुत ही प्यारी आ रही है, आप बाहर बैठे तो प्यारी सी शांत आवाज़ का मज़ा ले सकते हो। और व्यू भी गाइस काफ़ी औसम है, मैं पहली बार आई हूँ खुद भी यहाँ पर, क्योंकि मैं भूख लगी थी और आप ऑप्शन नहीं था कुछ, घर से निकले तो कहीं को थे। अभी हम लोग गाड़ी की सर्विस करवाएंगे, बाकी इधर ही काम हो रहे हैं सारे, फिर हमने रामपुर जाना कैंसिल ही कर दिया। मैं और मम्मी अभी बाहर घूम रहे हैं और अब हमारा यही सारे काम हो रहे, तो हम लोग रामपुर तो जाएंगे नहीं, कुछ काम थे मुझे जो रामपुर में भी थे, पर चलो यही रहते हैं मज़े। और अब अच्छा व्यू है बट फॉग फॉग बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे रुक के, बहुत ज़्यादा फॉग है यहाँ पे क्योंकि आग बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं लोग, जंगलों को बहुत नुकसान कर रहे हैं, उससे जंगली जानवरों को भी बहुत नुकसान हो रहा है, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा फॉग फॉग सी हो गई है। चंडीगढ़ वगैरह में तो ऐसी फॉग मिलती है देखने को, बट इस बार हिमाचल में भी काफ़ी ज़्यादा है ये चीज़ें, बर्फ़ तो आपको पता पड़ ही नहीं रही है, बस ठंड बहुत ज़्यादा है। सो गाइस हमारा लंच आ चुका है और ये है वेज कोफ्ता, कढ़ाई पनीर, और ये है रोटियाँ तंदूरी, और ये है हमारा प्लेट्स, और हम डिनर सॉरी लंच कर लेते हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर से। सो गाइस अब हम लोगों ने हैंड वॉश कर दिए और हम चले, और लंच भी बहुत ही यम्मी बना था, काफ़ी टेस्टी था, अच्छा था, और रिव्यू अच्छे ही है, अच्छे हैं, नाइस। अभी थोड़ी बहुत धूप भी लगती है, अब चलते हैं। और बेचारे ये लोग मेहनत करके कमा खाने आए हुए हैं, बट होटल वाले बहुत अच्छे स्वीट है और ये लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, ये लोग उधर काम कर रहे हैं, बोलते यहाँ पे प्राइस तो महंगे हैं बट इन लोगों को रीजनेबल रेट में दे रहे हैं खाना, तो बहुत स्वीट है, ऐसी इंसानियत देखने को मिले तो अच्छा लगता है। तो ये लोग भी बहुत कम प्राइस में दे रहे हैं, इवन कह रहे हैं कि हम स्वार स्टाफ की तरफ से दे देंगे, बट सो स्वीट जेस्चर जो मुझे अच्छा लगा देख के, तो नाइस। ये होटल और होटल रिवर व्यू और बिल्कुल एनर्ज में ही है, तो आप लोग भी ज़रूर विज़िट करें। और मुझे तो खाना भी अच्छा लगा, स्पाइसी था इसीलिए क्योंकि हमने बोला नहीं कि स्पाइसी ना बनाए, बाकी बहुत अच्छा था, नाइस। तो मैं ड्राइव करूँगी तो मैं अब कुछ शूट नहीं कर पाऊँगी, मिलते हैं आप लोकेशन पे ही, बाय बाय। जाओ।
मम्मी पापा कर रहे हैं गाड़ी में वेट, और मैं और मम्मा ही उतरे थे, और हमारे है चौहान ब्रदर्स बिट्टू। यहाँ पे लगी थी आग, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भयंकर आग लगी थी एक टाइम, बट अब फिर से स्टेबल हो गई चीज़ें, बट बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस टाइम पे। देख सकते हो आग बहुत अच्छी, यहाँ पे हर चीज़ें अवेलेबल होती है, बट उस टाइम पे बहुत भयंकर आग लगी थी यहाँ पे, तो सब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था इन लोगों को। अभी काफ़ी ज़्यादा रिकवर है, और अभी हम भी जाते वापस, हमें सारी चीज़ें मिल जाती थी, इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो अभी हम डाल रहे हैं फ्यूल, कि वो तो इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर तो चलेगी नहीं हमारी दोनों। सो अभी आए हैं हम गाड़ी की सर्विस करवाने। गाइस तो हम अभी किंगल पहुंच के हैं, और अभी यहाँ पे थोड़ा सामान है और कज़न का वेट कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम वापस जाएंगे कुमार से। और अब हम रामपुर तो गए नहीं, बट चलो हमारे बहुत सारे काम हो गए, सर्विस भी होगी। अभी यहाँ पे हम शॉप में, शॉप के बाहर खड़े हैं। हे गाइस तो अभी हम लोग घर पहुंच गए हैं, और उसके बाद किंगल से आने के बाद मैंने ड्राइव करी थी, मैं कुछ भी शूट नहीं कर सकती हूँ ना ड्राइव करते हुए, अभी इतनी ज़्यादा प्रो नहीं हूँ कि मैं चलते चलते भी व्लॉग बनाऊँ, तो फिर तब करके उसके बाद हम थोड़ा बाजार में काम था, फिर अब थक भी चुके हैं, किया कुछ नहीं बस छोटी 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 चीज़ें, बट आजकल दिन इतना ही होता है तो थक जाते हैं। तो आप लोग लोहड़ी आराम से मनाना जहाँ जहाँ मनाते हैं, और हैप्पी लोहड़ी आप सभी को, मैंने सुबह नहीं किया विश, तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बहुत सारे कमेंट्स करना। और मैंने ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं, आई होप जितना बनाया है आप लोगों को पसंद आए सब, मैंने आज का जो मैंने जो चीज़ें करी वो ही बनाई हैं, बस ये कि लास्ट में मैं थोड़ा सा थक चुकी थी, फिर कुछ भी मन नहीं कर रहा था शूट करने का, बैटरी भी कम थी, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं, बस हम कुमार सिंह बाजार आए और वहाँ पर हमने सामान लिया और कुछ नहीं करा खास, और वैसे हम घर पहुँच गए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।